बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ऊंची जातियों को आरक्षण का समर्थन मगर मोदी बताए नौकरियां कहां कांग्रेस। गुजरात बीजेपी के पूर्व विधायक की चलती ट्रेन में गोली मारकर हत्या। बेस्ट कर्मियों की हड़ताल से बसे सड़कों से नदारद। तो देखते हैं खबरें विस्तार से। नई दिल्ली कांग्रेस ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण का समर्थन करते हुए सोमवार को मोदी सरकार द्वारा अनारक्षित श्रेणियों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी देने के पीछे के इरादे पर सवाल उठाया है। इसके साथ ही जानना चाहा कि नौकरियां कहां हैं। मंत्रिमंडल द्वारा सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े वो लोगों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दिए जाने के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि इस निर्णय के पीछे का इरादा जनता को वास्तव में कल्याण करने के बदले राजनीति ज्यादा है। हैदराबाद गुजरात बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष और कच्छ के पूर्व विधायक जयंती भानुशाली की चलती ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना सयाजी नगर ट्रेन में हुई है। 53 साल के भानुशाली भुज से अहमदाबाद जा रहे थे। माले के पास बदमाशों ने इसी कोच में घुसकर भानुशाली पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या किस कारण से हुई इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। मुंबई महाराष्ट्र में बृहन मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं यातायात के 33,000 से अधिक कर्मी अपनी कई मांगों को लेकर मध्यरात्रि से हड़ताल पर चले गए हैं। इस कारण शहर में बस सेवा ठप पड़ गई है और रोजाना यात्रा करने वाले कम से कम 25 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।